क्या नाम है आपका? सर आयुष पाटिल। आयुष किस क्लास में हो, कहाँ से, कौन से स्कूल से हो आप? फ्रॉम BNHC शिक्षा निकेतन, क्लास 7B। अच्छा, क्या आपने ये मॉडल बनाया है, क्या बनाया, इसका क्या यूज़ है? इट इज़ अ क्रॉप फील्ड प्रोटेक्टिंग अलार्म, मतलब वाइल्ड एनिमल्स को अपने खेत में घुसने से रोकने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। जैसे वाइल्ड एनिमल्स हमारे खेत में घुस के हार्म कर देते हैं और फसल को पूरा बर्बाद कर देते हैं, उससे बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट है। जैसे अगर कोई भी वाइल्ड एनिमल एंटर करने की कोशिश करेगा तो ये सर्किट लगाया है IR सेंसर, इसको वो डिटेक्ट कर लेगा और वाइल्ड एनिमल्स को डिटेक्ट करके ये बदर ब्लो करने लगेगा, इससे वाइल्ड एनिमल को भी कोई हार्म नहीं होगा और हमारी फसल पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो जाएगी। ये कितना टाइम लगा इसको बनाने में आपको? इसको मुझे 2 दिन लगे हैं पूरे। क्या लगता है कि गांव के लिए जो किसान है उनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा अगर ये यूज़ करते हैं इसका? बिल्कुल फायदेमंद साबित होगा, इसकी रेंज भी बढ़ सकती है, इसको बिजली से भी चलाया जा सकता है और उसमें ऑर्डिनो सेंसर लगा, ऑर्डिनो सर्किट लगा के इसको पूरी तरह से मतलब एडवांस कर सकते हैं। मतलब अगर निकले यहाँ से तो वाइल्ड एनिमल अगर तेजी से भागे तो यहाँ से इसको डिटेक्ट करके 5-10 मिनट जितनी रेंज सेट करें उतनी देर तक भी ये बदल कर सकता है। क्या नाम है आपका? सोमेश जी किस क्लास में है और आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया है, ऐसा क्या यूज़ है? मैं 11th क्लास में हूँ, मैंने ऑटोमेटिक हाई सिक्योरिटी डिवाइस बनाई है, इसका यूज़ बैंकों में ATM आदि में किया जा सकता है। कैसे, क्या है, क्यों बनाई है, अगर क्या यूज़ है इसका, क्यों बनाई है आपने ये चीज़? देखिए सर, नॉर्मली वहाँ पर बैंकों में चोरी होती रहती है और आतंकवादी हाईजैक कर लेते हैं तो उसको मात दे देते हैं, उसको बचाने के लिए मैंने एक ऐसी डिवाइस फिट की है जिसमें एक नहीं बल्कि 5-5 ऑटोमेटिक डिवाइस सिक्योरिटी डिवाइस फिट की हुई है। मैंने ये इसमें LDR फिट की हुई है, इसकी इसका ऐसा डिपेंड मान लीजिए लाइट पे जो डिपेंड होता है प्रतिरोध, जो लाइट पे डिपेंड होता है, जिससे जब इसकी लाइट इस पर पड़ती है तो ये वर्क करने लगता है, एक्टिवेट हो जाता है, जिससे ये डोर बंद हो जाता है, डोर बंद होते ही ये इसकी बेल बजने लगती है, वार्निंग बेल, इससे अंदर का वो जो ड्रॉवर होगा वो तो बंद हो जाएगा, बाहर जो हम बात करते हैं वो उसके लिए मैंने एक बार जो नियरेस्ट चौराया बनाया है वहाँ पर भी रेड लाइट जलने लगी है, हाई अलर्ट हो जाएगा और जिससे बिना किसी के वहाँ पकड़ सकता है, यदि वहाँ से भी छूट गया तो एक मैंने पुलिस स्टेशन बनाया है जिसमें ये RBI बैंक का कोड डाला है, वहाँ तुरंत अपने आप बिना किसी मतलब मैनुअल वर्क से तुरंत उसमें एक्टिवेट। सोमेश, ये प्रोजेक्ट बनाने में कितना टाइम लगा आपको? समथिंग टाइम क्या, 2-3 दिन मान लीजिए। क्या लगता है कि आने वाले बैंकों के लिए सही चीज़ साबित होगी लोगों के लिए? होना भी चाहिए। क्या मैं आपका ये बताइए, क्या आपने बनाया, ऐसा क्या है उसे? स्वच्छ भारत अभियान गांव में भी स्वच्छता हो, ग्रीनर हो, मतलब पेड़ पौधे लगाए जाए, वृक्षारोपण और गांव में जो पशु पक्षी जिससे गंदगी फैला है उनको एक स्थान पर रखा जाए, मतलब कि एक जगह रखा जाए जिससे वो गांव में आकर गंदगी ना फैलाओ, जो भी उनका मल मूत्र हो उसे गोबर गैस प्लांट बनाया गया है, उससे पहले वाटर टैंक में पानी को प्योरीफाई करते हैं, सभी के घरों तक पहुँचाया जाता है, जो 12 साल और 12 साल पंचायत घर भी है और स्वास्थ्य केंद्र और कॉमन चक्की सर और कॉमन फैमिली। क्या नाम है आपका? श्रुति। किस क्लास में है, किस स्कूल से हैं आप? कुमारी उद्यान, क्लास 10। क्या आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया है, उसका क्या यूज़ क्या है? सर, जो हमने बनाया मॉडल का नेम LiFi है, ये 5G टेक्नोलॉजी है, अभी तक Wi-Fi यूज़ होता था बट इन इंडिया लोगों को अवेयर करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया है कि लोगों को पता चले कि लाइट से आजकल नेट यूज़ हो रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरियाज, जैसे रिएक्टिव एरियाज, एरोप्लेन्स वगैरह में आप यूज़ नहीं करते हैं नेट, Wi-Fi इंटरफेयर करता है, बट इन LiFi यू आर फ्री टू यूज़, इससे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, इसकी स्पीड जो है वो 10,000 टाइम्स ग्रेटर है Wi-Fi से, LiFi 1 GB पर सेकेंड देता है और आपका Wi-Fi MB में देता है, इट इज़ द न्यू मॉडल फॉर everyone टू बी नोन। ठीक, थैंक यू। क्या नाम है आपका? श्रेया शर्मा। श्रेया शर्मा किस क्लास में, किस स्कूल से हैं और क्या आपने प्रोजेक्ट बनाया है? जी, डिजिटल इंडिया जो कि कैंपेन है नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्रधानमंत्री उनके द्वारा लॉन्च किया गया था 1 जुलाई को 2020 में, उसके थ्रू हमने बहुत सारी फैसिलिटीज दी, जैसे भीम ऐप है, उमंग ऐप है, डिजी लॉकर है, बायोमेट्रिक स्कैन सिस्टम, ई सिग्नेचर है, ई संपर्क है और भारत में ये सब उनके द्वारा दी गई फैसिलिटीज है, लेकिन अभी लोगों को उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो जैसे जैसे ये डिजिटल इंडिया बढ़ रहा है
से ई वेस्ट भी पड़ रहा है। ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हमारे मोबाइल फोन हो गए, लैपटॉप, इधर देखिएगा, हाँ जी, मोबाइल फोन, लैपटॉप, जब इनको रिसाइकिल करा जाता है, अगर ये रिसाइकिल ना किया जाए, सीधे लैंडफिल्स में डंप कर दिया जाए तो ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है। इसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे लेड, कैडमियम, मर्करी, तो इसलिए इसका रिसाइकिल बहुत ज़रूरी है। रिसाइकिल मैंने आपको रिसाइकिल कैसे होते हैं प्रोसेस दिखाया है। तो सबसे पहले ये कलेक्ट किया जाता है, फिर फैक्ट्री में जाते हैं। फैक्ट्री में इसमें सबसे पहले सॉर्टिंग होती है, वेरियस कैटेगरीज में इसको सॉर्ट किया जाता है। फिर इसकी शेडरिंग होती है, शेडरिंग में इसके छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए जाते हैं जिसमें कि इसका डायमीटर 2 इंच से भी कम हो जाता है। फिर इसका सेपरेशन होता है, सेपरेशन में मेटलिक और नॉन मेटलिक कंपोनेंट्स में सेपरेट हो जाते हैं। फिर ये जब सेपरेट हो जाते हैं रॉ मटेरियल्स बन जाते हैं। रॉ मटेरियल्स जब बन जाते हैं तो फिर इनको प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्रीज में भेजे जाते हैं जहाँ इनका रीयूज हो जाता है। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी अग्रवाल है। रजनी जी, आपके बच्चों ने क्या बनाया, क्या प्रोजेक्ट है इसका पूरा? सर, ये मेरे बच्चों ने, 8th क्लास के बच्चों ने, लाइट पोल्यूशन जो इस समय बहुत ज़्यादा है जी, इससे बचने के लिए बहुत सस्ता और कारगर उपाय हो जाए। जी जी जी। तो सर, इसमें होता क्या है कि जो लाइट अतिरिक्त जलती रहती है स्ट्रीट लाइट, उससे बचने के लिए तो जो हम लोग पूर्व में कर चुके हैं कि अंधेरा कर देने पर हाथ से सेंसर को जब हम ढक लेते हैं अंधेरा होता है तो लाइट स्वतः जलती है और दिन के प्रकाश में वो बुझ जाती है। तो इससे एक तो लाइट के अनावश्यक खर्च बचता है, दूसरा ये जो स्ट्रीट लाइट की बनावट हमारे यहाँ रहती है उसको हमने चेंज किया है। हमारे बच्चों ने इसके लिए काफ़ी इस पर रिसर्च किया। इसकी बनावट इस तरीके से कराई है कि जो स्ट्रीट लाइट से निकलने वाला प्रकाश है वो नीचे ग्राउंड की तरफ केंद्रित रहता है, तो वो केंद्रित जब नीचे रहता है ऊपर आसमान में नहीं पहुंच पाता है, वायुमंडल के कणों से उसका विसरण नहीं होता है, चारों तरफ फैल नहीं पाता है, तो जो एक डार्क स्काई की समस्या जो इस समय अंतर्राष्ट्रीय समस्या हमारी बन चुकी है उससे इसने काफ़ी हद तक बचाव किया है। ठीक, क्या नाम है आपका? निखिल तिवारी। निखिल, ये क्या बनाया आपने और क्यों अभी बताया? मैंने ये मॉडल ट्रेन से रिलेटेड बनाया है। इस समय ट्रेन बहुत ज़्यादा डिवेल हो रही है जी, इसलिए मैंने जितने भी सारे पहिए हैं ट्रेन के उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की सहायता से उनमें करंट फ्लो होगा इमरजेंसी ब्रेक के समय, और जितने पहिए सारे मैग्नेट के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, और वो ऐसा जब मैग्नेट के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे तो पटरी के साथ चिपक जाएंगे और जो डिवेल होती है ट्रेन वो नहीं हो पाएगी, जितनी बोगियाँ पीछे से ऊपर चढ़ जाती हैं वो भी रुक जाएगी। इस पर जो प्रोजेक्ट बनाया है आपने, ये ट्रेन में कहाँ पर यूज़ होगा, किस जगह लगेगा जो ऐसा ना हो जिससे एक्सीडेंट ज़्यादा से ट्रेन में ज़्यादा होते हैं? सभी में, जैसे पंखे में कॉइल हम लोग भरते हैं वैसे उसके अंदर कॉइल फिट कर दी जाएगी। तो इससे जहाँ पर इसमें जो ट्रेन का होता है उसमें 11,000 वोल्टेज आता है, तो इस समय हाई मैग्नेट बन जाएगा और तुरंत चिपक जाएगा पटरी के साथ, तो जितनी पीछे बोगियाँ ऊपर आ जाती है वो नहीं हो पाएगा, और जितना मान लीजिए एक्सीडेंट जैसे हो जाते हैं अभी तक उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत लोग मुआवजा मांगते हैं, तो आदमियों की भी जान बच जाएगी। और किस स्कूल से हैं आप? शिक्षा, किस क्लास में हैं? क्या मेट आपका? स्वामी गुप्ता। किस क्लास में है, किस स्कूल से हैं आप लोग? मैं कक्षा 9 में पढ़ता हूँ, विलेज शनिकेतन। ये प्रोजेक्ट क्या बनाया है आपने, इसका क्या यूज़ होगा? ये मैंने आइडियल ट्रैफिक सिस्टम बनाया है, इसके थ्रू हम लोग की जो इंडियन ट्रैफिक है, जो हम लोग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ट्रैफिक का, कहीं पे जाम लग जाता है, तो उसके निजाम पाने के लिए बनाया है। इसमें हम लोग पास होंगे, इससे हम लोग कोई फायदा होगा, जैसे वहाँ पर कोई भी, इसलिए आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे साइंस बने हुए हैं। अगर रेड लाइट जल्दी मिलता है कि हम लोग को रुकना होता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि रेड लाइट को जंप कर देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, और क्या होता है जो दूसरी साइड से कार्स आती है उनसे टक्कर हो जाती है, कोई एक्सीडेंट फेस होने लगता है, उससे कुछ ऐसी यहाँ पे ग्रीन लाइट चलेगी तो रेड लाइट चलती है, यहाँ पे एक बैरिकेड बंद हो जाएगा, बैरिकेड बंद होने से वहाँ पर इतनी गाड़ियाँ वहीं पर रुक जाएंगी, उसके रुकने के बाद फिर जब तक येलो लाइट रहेगी तब तक ये बंद रहेगा, और जैसे ही यहाँ पे हम लोग का ग्रीन लाइट आएगा वैसे ही हम लोग का ये खुल जाएगा। इससे हम लोग को ये फ़ायदा होगा कि हम लोग ये ट्रैफिक गाड़ियाँ जो है रुकी रहेंगी, अपने बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे निकलेंगी, जिससे ये होगा कि वहाँ पे इतनी भी गाड़ियाँ आए मुझे कोई एक्सीडेंट होने का। शहर के जाम से तो आपको भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा, तो लगता है कि ये सब आपने जो प्रोजेक्ट बनाया कि ऐसा सोचना चाहिए यहाँ पर लोगों होना चाहिए, कि इससे बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा हम लोग की ट्रैफिक में, और इससे इसमें लोग और सेंसर्स लगा के इसको और एडवांस कर रहे हैं, कोई गाड़ी इसके नीचे आ जाती है तो उस गाड़ी को तुरंत वहीं पर रुक जाए, गाड़ी निकल जाने देगा, उसके बाद करेगा उसमें कैमराज लगाएं ताकि कोई गाड़ी नीचे से कोई निकल जाए बैरिकेड्स के तो उसको भी कैच कर सके। ठीक।